हेलो एवरीवन, वेलकम टू नोवा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है पिका कार्ड रीडिंग। सो आज का टॉपिक ये होगा कि जिसके साथ भी आप रिलेशनशिप में हैं या रिलेशनशिप में आने का सोच रहे हैं, उनसे आपकी मैरिज होगी या नहीं फ्यूचर में। सो यहाँ फोर ऑप्शंस हैं, चार रिंग्स हैं। ये गोल्डन कलर की है, सन रिंग बड़ी वाली, और ये रेड, ये पिंक, और ये व्हाइट। सो आपको जो भी अच्छी लग रही है या जिसकी तरफ भी आप नेचुरली अट्रैक्ट हो रहे हैं, आप उसे चूज करें। और लेट्स चेक कि आपके लिए क्या है। सो हम पहली पाइल की रीडिंग करते हैं। मैसेजेस फॉर द फर्स्ट रिंग, टू ऑफ सॉर्ड्स, Page of Pentacles, okay, Nine of Pentacles, certainly जिन्होंने भी एक deck choose किया है first वाला, इनके बीच में बहुत strong connection है, सोलमेट की तरह बहुत स्ट्रांग अट्रैक्शन है। और ये रिलेशनशिप जो है परफेक्ट है, ये बेस्ड है लॉयल्टी पे। आपके लिए एक दूसरे का बिहेवियर और एक दूसरे का कैरेक्टर ही सबसे ज्यादा मायने रखता है। मुझे नहीं लगता कि आपके और कोई सेल्फिश गोल्स हैं एक दूसरे से, और आप एक दूसरे से कनेक्टेड फील करते हैं। आप ना तो एक दूसरे के पैसों के पीछे है, ना एक दूसरे के लुक्स के पीछे है, बट यहाँ पे मुझे एक अच्छी फ्रेंडशिप दिखाई दे रही है, एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग दिखाई दे रही है। तो सर्टनली जिन्होंने फर्स्ट स्टेप चूज किया है, इनके बीच का जो कनेक्शन है वो बहुत स्ट्रांग है और किसी मटेरियल मीन्स के लिए नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे है नाइन ऑफ पेंटिकल्स, तो आपकी जो विशेज हैं आपके रिलेशनशिप को लेके, वो ग्रांट होंगी और तुरंत तुरंत पूरी होंगी और रियल लाइफ में वो पॉसिबल हो पाएगा। लेकिन अभी तीन कार्ड्स ड्रॉ करना बाकी है। लेट्स चेक कि आगे क्या इसका मतलब निकल के आता है पूरा। अगर आप प्रीवियस वीक की रीडिंग और ईयरली रीडिंग में इंटरेस्टेड हो तो इस वीक की रीडिंग, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक एज यूजुअल मिल जाएगा। एंड अगेन ये जनरल रीडिंग्स है, ऑलवेज टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। सेवन ऑफ सॉर्ड्स, आप का जो रिलेशनशिप में है, इसमें से कोई एक पर्सन जो है वो शायद थोड़ा हर्ट है। वो अच्छा है आपके लिए, परफेक्ट है, आपके बीच में बहुत ज्यादा अट्रैक्शन है, मगर अभी शायद इस पर्सन के पास कुछ ऐसे रीजन है जिसको लेके परेशान है। शायद ये अपने सॉर्ड्स कैरी कर रहा है और आपको ये नहीं पता। इनके अंदर अभी कोई परेशानी है जो ये आपको बता नहीं रहे, और खुद ही ये बोझ उठा के आगे बढ़ना चाहते हैं, आप पे ये प्रेशर नहीं डालना चाहते। मुझे दिख रहे हैं ये आगे बढ़ते हुए अपने सॉर्ट्स के साथ, और ये इस चीज को आप पे नहीं डालना चाहते हैं। फाइव ऑफ कप्स, द हर्मिट, ओके। सो जिन्होंने फर्स्ट स्टेप चूज किया है, उनके लिए मैं ये कहना चाहूंगी, आपके बीच में एक स्ट्रांग बॉन्ड है, बहुत प्योर फीलिंग्स है आपकी एक दूसरे के लिए। मुझे नहीं लगता कि आप किसी बेनिफिट के लिए एक दूसरे के साथ हैं या किसी स्वार्थ के लिए एक दूसरे के साथ हैं। यहाँ पे नाइन ऑफ पेंटिकल्स देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों एक दूसरे को एक गिफ्ट की तरह देखते हैं, यूनिवर्स के गिफ्ट की तरह, और एक दूसरे के बिना अपनी लाइफ को इमेजिन नहीं कर सकते। तो एक चीज मगर यहाँ पे थोड़ी सी
टेंस करने वाली है कि जो आपके पार्टनर है वो बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं चीजों को लेके और शायद आपसे एक्चुअल सिचुएशन के बारे में नहीं बता रहे हैं। यहाँ फाइव ऑफ कप्स है। अब ये सिचुएशन के बारे में जो आपको नहीं बता रहे हैं तो आप इस बारे में ज्यादा सोच रहे हैं, आप ये सोच रहे हैं ये चीजें होंगी या नहीं, कंप्लीट होंगी या नहीं होंगी। मगर अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो डिसहार्टन मत होइए, क्योंकि यहाँ पे मुझे आप द हर्मिट के कार्ड के साथ दिख रहे हैं, बहुत सैड दिखाई दे रहे हैं आप और इस चीज को लेके कि क्या आपका कमिटमेंट पूरा होगा या नहीं होगा, आप लगातार कोशिश कर रहे हैं। एक चीज जान लीजिए कि पूरी तरह से उम्मीद खत्म नहीं है, यहाँ टू ऑफ कप्स है। ओके, तो यहाँ पे उम्मीद बाकी है, लेकिन एक चीज आपको याद रखना होगा, आप दोनों को बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा। अगर आप इस फाइट के लिए तैयार हैं तो डेफिनेटली आप एक दूसरे को पा सकते हैं। ये आपके लिए इजी नहीं होगा, लेकिन बिल्कुल इम्पॉसिबल है ऐसा भी नहीं है। यहाँ पे आपके लिए चांस है, लेकिन आपको बहुत ज्यादा स्टैंड लेना पड़ेगा अपने लिए, अपने पार्टनर के लिए। स्ट्रगल्स करने पड़ेंगे, चेंजेस लाने पड़ेंगे, और जो कि शायद आप लाना चाहते हैं। एंड ऑफकोर्स टैरो ये बता रहा है कि अगर आप स्ट्रगल करें तो एक दूसरे के साथ हो सकते हैं, ये इम्पॉसिबल नहीं है इनकेस अगर आप ऐसा सोच रहे थे तो। ठीक है, सो हर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स तो आती ही हैं, मगर अगर आप हैंडल करना चाहें तो जरूर इसका कुछ ना कुछ मीनिंग निकलेगा और आप साथ होंगे। चलिए देखते हैं जिन्होंने रेड स्टोन चूज किया है उनके लिए क्या मैसेजेस हैं। मैसेजेस फॉर द रेड रिंग, द हैंग्ड मैन, कार्डिनल। The Emperor, The Chariot, Three of Star. Okay, so जिन्होंने second deck choose किया है उनके लिए message ये है tarot का, the hangman. The hangman के साथ आप wise हैं, इस समय आप होशियार हैं और same is with your partner. दोनों side से resonate हो सकती है, ये हमेशा ध्यान में रखिए, general reading है। तो यहाँ पे वो wise हैं और जो आपका रिलेशनशिप है इसमें वो सिर्फ दिल से नहीं दिमाग से भी काम ले रहे हैं। ओके, तो जो भी आपके पार्टनर है ये काफी मैच्योर है, समझदार है, और ये सिर्फ इमोशंस के बारे में ही नहीं सोच रहे, ये भी सोच रहे हैं कि अगर ये रिलेशनशिप हम आगे ले जाएं, शादी तक अगर हम पहुंचते हैं या हम शादी करते हैं तो उसके बाद क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, क्या हमारी लाइफ अच्छी होगी, कैसे हम लाइफस्टाइल एडजस्ट करेंगे, सारे इफ्स एंड बट्स, सारे प्रोज एंड कॉन्स को वो बैलेंस करना चाह रहे हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे द एम्परर है, कोई उनको एडवाइस करने वाला है, आपके पार्टनर के लाइफ में कोई उनको एडवाइस करने वाला है जिसे वो बहुत ट्रस्ट करते हैं और उनकी एडवाइस सुनते हैं, या फिर आपकी लाइफ में भी हो सकता है। तो इनके एडवाइस के अकॉर्डिंगली ये चल रहे हैं द हैंगमैन, क्योंकि इनके डिसीजन इनको वाइज डिसीजंस लग रहे हैं। और इसके साथ ही ये चीज मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे द चैरियट का कार्ड है, वो वाइज है, समझदारी से चल रहे हैं, लेकिन इस रिलेशनशिप को अंजाम देने की उनमें बहुत जल्दी है,
जल्दी है, मतलब कि वो ये डिसाइड करना चाहते हैं कि वो ये रिलेशनशिप छोड़ दें या फिर इसमें रह लें। ठीक है, दो में से कुछ भी जो इनका जजमेंट है वो ये जल्दी से जल्दी सुनाना चाहते हैं। इसके अलावा यहाँ द कार्ड है द कार्डिनल का, सो यहाँ कार्ड है कार्डिनल का, तो यहाँ पे हीरोइक एक्शन सजेस्ट हो रहा है। दैट मीन्स कि ये जो आपके पार्टनर है ये कुछ भी कर जाएंगे इस पॉइंट पे। ओके, इनका डिसीजन लेने का वक्त है। तो टैरो का बेसिकली यही कहने का मतलब है कि इस समय कोई ऐसा पर्सन है इनके लाइफ में जो इनको एडवाइस कर रहा है, जिनकी एडवाइस ये ले रहे हैं, जिनको ये वाइज समझते हैं और जिनके एडवाइस पे ये अपने स्टेप्स लेंगे एकदम से। ठीक है, इनको इन पे बहुत ज्यादा भरोसा है और ये इनके स्टेप लेंगे, अपने स्टेप लेंगे इनके उस पे एडवाइस पे। तो यहां दो कार्ड्स है जो बिल्कुल कॉन्ट्रास्टिंग है, यहां है वन ऑफ स्क्वायर, यहां है थ्री ऑफ स्टार। इसका असर आपके रिलेशनशिप पे डायरेक्टली आएगा। ठीक है, इसका असर आपके रिलेशनशिप डायरेक्टली आएगा। अगर ये पर्सन नो कहने को कहता है तो आप सैडनेस की तरफ जा सकते हैं, अगर ये पर्सन यस कहने को कहता है तो आप के लाइफ में सन होगा। ठीक है, ये रीडिंग कुछ वियर्ड है, दो साइड्स में जा रही है, क्योंकि ये पर्सन बीच में आ गया है और इसके डिसीजंस बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। अगर आपको किसी को कन्विंस करना है तो इस पर्सन को आपको कन्विंस करना होगा, ये हीरोइक टास्क आपको करना होगा। इसमें भले ही कितनी भी एनर्जी लगे, अगर आप अपने रिलेशनशिप को एंड तक पहुंचाना चाहते हैं तो आपको इस पर्सन को प्लीज जरूर करना पड़ेगा, मतलब इनको खुश करना पड़ेगा, इनकी नजर में आपको बेहतर बनना होगा, तभी ये पर्सन जो है आपके साथ रिलेशनशिप के बारे में आगे सोच सकते हैं। ओके, तो यहां पे एक इफ और बट आ गया है। अगर आप ऐसा करने में सक्सेसफुल होते हैं तो डेफिनेटली आपके लिए यहाँ पे द सन है। मैं और कार्ड्स निकाल लेती हूँ क्योंकि यहाँ पे कुछ क्लियर मैसेजेस नहीं मिल रहे हैं। ये पर्सन बहुत इंपॉर्टेंट हो गया यहाँ पे। लेट्स चेक सम मोर मैसेजेस फॉर द रेड स्टोन। एक और मैसेज, अप्रेंटिस, हर्मिट। ओके, द कार्ड है द हर्मिट का। यहां पे अगेन यहां पे क्लियर मैसेजेस नहीं मिले मुझे, मगर फिर भी द अप्रेंटिस का कार्ड है। तो एक चीज समझ लीजिए, अगर ये आपके पेरेंट्स हैं जो आप मतलब देख रहे हैं, अगर ये आपके पेरेंट्स हैं, अगर आप एडवाइस दे रहे हैं, क्योंकि ये टू वे रीडिंग है, दोनों साइड से रेजोनेट हो सकती है। अगर ये आपके पेरेंट्स हैं तो आपका पार्टनर जो है इन्हें प्लीज करने के लिए कुछ भी कर जाएगा, या हीरोइक टास्क है। ठीक है, और यहां है द कार्ड द हर्मिट। यहां थोड़ी सी सैडनेस है क्योंकि बातें क्लियर नहीं हो पा रही है, जैसे टैरो में नहीं क्लियर हो रही है वैसे आपके लाइफ में भी क्लियर नहीं हो पा रही है। तो ये हीरोइक टास्क अगर ये कर जाते हैं प्लीज करने का, तो यहां पे द सन है। आपकी शादी तभी पॉसिबल है जब इस पर्सन को प्लीज किया जाए, या आप हैं तो आप इनके साइड से जो इन्हें एडवाइस दे रहे हैं उनके खुशी के लिए स्टेप लें, और अगर ये आपके पार्टनर हैं तो उनको लेना पड़ेगा ये स्टेप, तभी ये रिलेशनशिप जो है शादी तक पहुंचेगा। ओके, सो ये थी सेकेंड डेक की रीडिंग। टफ है मगर इम्पॉसिबल नहीं है आपके लिए। चलिए जाते हैं थर्ड डेक की तरफ, जिन्होंने पिंक रिंग्स चूज किए हैं। लेट्स चेक द पिंक रिंग मैसेजेस फॉर द थर्ड डेक। Five of Wands, The Lovers। Okay, जिन्होंने थर्ड डेक चूज किया है उनकी तो बात ही क्या है। यहां पे इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है कि आप एक दूसरे के लिए किसी से भी लोहा लेने को तैयार हैं, लड़ने के लिए तैयार हैं। ठीक है, सो जितनी प्रॉब्लम्स आएंगी आप सब डिफेंड कर लेंगे रस्ते में आने वाली, और यहां पर मुझे दिख रहा है कि आप एक दूसरे से यूनाइट हो रहे हैं। लेट्स चेक सम मोर कार्ड्स। ये सिर्फ दो कार्ड्स हैं।
आप प्रीवियस वीक की रीडिंग और अर्ली रीडिंग में इंटरेस्टेड हो तो आपको उनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. लेट्स चेक सम मोर कार्ड्स फॉर द थर्ड डेक. फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स, फोर ऑफ कप्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स. ओके, एक चीज आपके रीडिंग में देखने वाली बात ये है खास, जिन्होंने थर्ड डेक लिया उनके पास प्रॉब्लम्स है. थर्ड डेक वालों के पास भी प्रॉब्लम्स है. ऐसा नहीं है कि आपके अफेयर में या आपके लव रिलेशनशिप में कोई ऑब्स्टेकल्स नहीं है, कुछ है नहीं जिससे आपको लड़ना है या दूर करनी है प्रॉब्लम. कुछ प्रॉब्लम आपके भी रिलेशनशिप में है, मगर एक बहुत अच्छी बात है आपके बीच में, आप एक दूसरे को समझते हैं, आप ये जानते हैं कि आप एक दूसरे के लिए ही बने हैं. यहाँ पे फाइव ऑफ वांड्स है, आप एक दूसरे को डिफेंड करते हैं, ठीक है, आपकी फीलिंग्स एक दूसरे के लिए ट्रू है. अगर कोई कुछ कहता है तो आप एक दूसरे को डिफेंड करते हैं, आप एक दूसरे के लिए लड़ने के लिए तैयार हैं. और यहाँ पे फोर ऑफ कप्स है, यहाँ पे किसी चीज को लेकर सैडनेस है. पॉसिबली ये टेम्प्रोरी है, क्योंकि अभी जो आपके ऑब्स्टेकल्स हैं उनको आप दूर करने में लगे हैं, और ये जो प्रोसेस है इसमें थोड़े से आप टेंस्ड हैं, ठीक है. यहाँ पे आप थोड़े से टेंस्ड जरूर हैं, प्रॉब्लम्स दूर करना चाहते हैं, मगर एक बात आप समझ लें कि जब भी आपकी शादी होगी वो आपके पेरेंट्स के ब्लेसिंग भी होगी आपके साथ. या फोर ऑफ पेंटिकल्स है, पेरेंटल ब्लेसिंग्स, इनहेरिटेंस, इन सब का कार्ड होता है ये. तो यहाँ पे आप एक चीज जान लीजिए, अगर अभी सिचुएशन टफ भी है, बात नहीं भी बन रही है, तो भी कोशिश मत छोड़िए, कोशिश करते रहिए, एक दूसरे को डिफेंड करते रहिए. यहाँ पे फोर ऑफ पेंटिकल्स है, आपके पेरेंट्स भी इस चीज के लिए राजी होंगे टाइम के साथ और समझेंगे बात को. या फोर ऑफ पेंटिकल्स मतलब कि आपके पेरेंट्स की भी ब्लेसिंग रहेगी सूना और लेटर, वो समझेंगे कि आपके खुशी के लिए कितना जरूरी है. अगेन इट्स अ जनरल रीडिंग, टू वे रेजोनेट भी करती है, आपके सिचुएशन में जैसा सही हो आप वैसे देखें. टू ऑफ पेंटिकल्स अगेन, यहां पे हैप्पीनेस है, थोड़ा सा आपको ट्रिक करेगा टाइम. ये देख रहे हैं आप ट्रिकस्टर हैं, आपको टाइम थोड़ा सा ट्रिक करेगा. कभी आपको लगेगा कि आपका काम बनेगा, कभी आपको लगेगा आपका काम नहीं बनेगा. ट्रिक होगी आपके साथ, लेकिन ये चीज आप जान लीजिए, टाइम सिर्फ आपको टेस्ट कर रहा है, यूनिवर्स सिर्फ आपको टेस्ट कर रहा है, आपके बॉन्ड को टेस्ट कर रहा है, मगर आप एक साथ जरूर होंगे. ओके, और यहाँ पे फोर ऑफ पेंटिकल्स है, तो इस पर सबकी ब्लेसिंग भी रहेगी. और मुझे नहीं लग रहा जितनी प्रॉब्लम्स है अभी है, फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम मुझे दिखाई नहीं दे रही आपकी. सो थर्ड डेक तो काफी अच्छा था. अब हम जाते हैं फोर्थ डेक की तरफ, जिन्होंने चूज किया है व्हाइट रिंग. सो चलिए व्हाइट रिंग की रीडिंग्स देखते हैं क्या है. Messages for the white ring. Okay, five of spheres in reverse. The completed world, nine of star, here we have four of stars,
अगर मैं इन कार्ड्स को देखूं तो मुझे यहाँ हारमोनी दिख रही है, खुशी दिख रही है, मगर एक चीज आप ध्यान में रखें, ये कंप्लीटेड वर्ल्ड, ये जो कंप्लीट वर्ल्ड का कॉन्सेप्ट है आपका कि आपके पार्टनर के साथ ही आपका वर्ल्ड कंप्लीट होगा, ये चीज तभी पूरी हो सकती है जब आप हिम्मत दिखाएं लड़ने की, ठीक है, लड़ने की, मगर मतलब उन हालातों से जो आपको एक साथ होने से रोक रहे हैं। आपको अपने अंदर करेज लाना पड़ेगा, आपको ये शो करना पड़ेगा कि आपका जो रिलेशनशिप है आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, आप उसके लिए क्या कुछ कर सकते हैं, या फिर आपके पार्टनर को, क्योंकि मुझे आप यहाँ कमजोर पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये कार्ड रिवर्स में आया हुआ है, आपको ऐसा लग रहा है कि चीजें कभी सही नहीं होंगी, ये जो लोग हैं जो आपको रोकना चाहते हैं, या ये जो सर्कमस्टेंसेस है, हमेशा लोग हों ये जरूरी नहीं है, ये जो सर्कमस्टेंसेस है, ये जो परिस्थितियां हैं, ये कभी भी ऐसी नहीं होंगी जब आप साथ में हो सके। इस कारण से आप कमजोर और वीक फील कर रहे हैं, और ये वीकनेस जो है आपसे ये कंप्लीटेड वर्ल्ड दूर ले जा सकती है, ओके? और ये नाइन ऑफ स्टार का जो आपका सपना है ये पूरी तरह से ध्वस्त हो सकता है। आपको एनर्जी इकट्ठा करनी पड़ेगी, आपको करेज रखना पड़ेगा, इसके बाद ही द कंप्लीटेड वर्ल्ड आपको मिल सकता है। अगेन यहां पे कार्ड है फोर ऑफ स्टार का, पीस, तो आपका रिलेशनशिप पीसफुल रहेगा एक बार अगर आपकी शादी हो जाती है तो। लेकिन अगेन आपको यहाँ पे बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा, मुझे लग रहा है कि आपके साइड से या आपके पार्टनर के साइड से कोई जरूर वीक पड़ गया है सिचुएशन से लड़ते लड़ते और होप खो बैठा है। ऐसा नहीं है, आपको अगर आप कोशिश करेंगे तो जरूर ये कंप्लीटेड वर्ल्ड आपके पास है, टैरो आपको यही कह रहा है। और इसके अलावा अगर आप अपने और अपने पार्टनर के जोडियाक में इंटरेस्टेड हो तो इस वीक की रीडिंग और ईयरली रीडिंग आपको दोनों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, का लिंक इनका आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेट्स चेक कि और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। व्हाइट रिंग, एट ऑफ मून, फॉर्च्यून्स व्हील, ओके, बहुत अच्छा कार्ड है। इसमें आपको टैरो यही सजेस्ट कर रहा है कि अगर आपको अपने स्ट्रगल में, अगर आपको अपने कॉन्फिडेंस लाने के लिए किसी की हेल्प की जरूरत है, किसी के मदद की जरूरत है, तो उसकी मदद जरूर लें, क्योंकि फॉर्च्यून्स व्हील आपके हक में है। द कंप्लीटेड वर्ल्ड एंड फॉर्च्यून्स व्हील, इससे ज्यादा और क्या चाहिए किसी चीज को रियलिटी में बदलने के लिए, ठीक है? सब कुछ आपके साथ है, लेकिन ये आपकी अपनी वीकनेस है, आपके अंदर का डिप्रेशन है जो आपको रोके हुए है। दूसरों की मदद लीजिए, उन लोगों से बात कीजिए जो आपको पॉजिटिव एनर्जी दे, पॉजिटिव एडवाइस दे, आपको ताकत दे, स्ट्रेंथ दे कि आप वापस से अपने रिलेशनशिप के लिए खड़े हो सके। और डेफिनेटली अगर आप खड़े होंगे और थोड़ा सा लड़ेंगे, हिम्मत दिखाएंगे, या आपके पार्टनर ऐसा करेंगे, तो आपके लिए मैरिज पॉसिबल है, ओके? या कंप्लीटेड वर्ल्ड, डेफिनेटली मैरिज पॉसिबल है अगर आप कोशिश करते हैं इस चीज को रियल वर्ल्ड में रियलाइजेशन लाने के लिए। सो ये थी फोर्थ डेक की रीडिंग, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।